लिखे गए, बौद्ध धर्म जैन धर्म के मत भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है, अतः उन्होंने इस देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव दिया था। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी सम्मिलित किया गया है। यह उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से संस्कृत में समाचार आदि प्रकाशित किए जाते हैं। संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है। बहुत प्राचीन काल से ही अनेक व्याकरणचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है, किंतु पाणिनी का संस्कृत व्याकरण पर किया गया कार्य सबसे प्रसिद्ध है। उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। संस्कृत भाषा वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा इसकी कई लिपियों में भी यह लिखी जाती थी। जो संस्कृत भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, यह विश्व की सबसे पुरानी वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद है। इसे देव भाषा माना जाता है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है, अतः इसका नाम संस्कृत है। केवल संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनी, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य है। संस्कृत का अन्य भाषाओं से भी मतलब कुछ संबंध है। मूलतः यह आधुनिक भारतीय भाषाओं में है। भारतीय भाषाओं में एकता की रक्षा संस्कृत के माध्यम से ही हो सकती है। मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु आदि दक्षिण भारत की जो भाषा है वह भी संस्कृत से काफी प्रभावित है। संस्कृत भाषा की जो बोलने वालों की संख्या है लगभग 10,04,135 के आसपास मानी जाती है। इसके बाद में जो हम रिपीट करते हैं संस्कृत की बातें, देखते हैं किस प्रकार बोला जाता है। हेलो, संस्कृत में बोलते हैं नमो नमः। मैंने आप सुन लीजिए एक बार, फिर उसके बाद बोलना हेलो नमो नमः। भारतीय जीवन में इसको वॉयस अलग बोलेंगे, गर्ल्स अलग बोलेंगे। वॉयस बोलेंगे भवतः नाम किम और गर्ल्स बोलेंगे भवत्या नाम किम। माय नेम इज लक्ष्मी, मम नाम लक्ष्मी अस्ति। हाउ आर यू, वॉयस बोलेंगे भवान कथम अस्ति और गर्ल्स बोलेंगे भवति कथम अस्ति। आई एम फाइन, अहम कुशल अस्मि और गर्ल्स बोलेंगे अहम कुशल नहीं अस्मि। पहले वॉयस बोलेंगे फिर गर्ल्स बोलेंगे, मैं बताते जाऊंगा। हेलो नमो नमः। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वॉइस बोलेंगे भवता नाम के, भवत्या नाम के। माय नेम इज लक्ष्मी, एक कॉमन से बोलेंगे मम नाम लक्ष्मी अस्ति। हाउ आर यू, वॉइस बोलेंगे भवान कथम अस्ति और गर्ल्स भवती कथम अस्ति। आई एम फाइन, हिंदी बोलते मैं ठीक हूँ। संस्कृत में वॉइस अहम कुशली अस्मि और गर्ल्स अहम कुशलिनी अस्मि। धन्यवाद।